हुआ कि 60 साला बाबा महमूद जो प्लास्टिक फाइबर और असल बालों के विग नहायत महारत से तैयार करते हैं, गंजापन से सांसें कमतरी का शिकार होने वाले अफराद शख्सियत में निखार के लिए बाबा महमूद की खिदमात हासिल करते थे। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने बालों की सर्जरी क्या मुतारिफ करवाई, विग का इस्तेमाल सिरे से ही तरक हो गया। बड़ा मेहनत का काम है, बहुत बारीकी का काम है, और जितना बारीकी का ये काम है, चूँकि ये दिनों में नहीं बनती है, ये महीनों में बनती है, तो जिस हिसाब से इसकी मेहनत है उस हिसाब से कोई भी वो इसका कोई कदरदान नहीं है। विग की तैयारी बारीक बीनी और मेहनत तलब काम है। गाहक के रंग, डिजाइन और साइज के मुताबिक एक जाली लकड़ी के सांचे पर चढ़ाकर इसमें बाल पिरोए जाते हैं। एक विग की तैयारी में 3 हफ्ते लगते हैं और कीमत कम से कम 10,000 रुपए होती है। अब नए गाहक तो नहीं आते, अलबत्ता कुछ लोग पुरानी विग की सफाई, पॉलिश और इन्हें मेहंदी लगवाने जरूर आ जाते हैं। इसका मैं जो चाहे स्टाइल बना सकता हूँ, जो चाहे इसका मैं स्टाइल कर सकता हूँ, जो चाहे इसको शैम्पू, ऑयल, शाइल मैं इसको यूज कर सकता हूँ। बाबा महमूद के बकौल गुज़श्ता एक दहाई में ये काम ना होने के बराबर रह गया, ताहम इन्हें अपने हुनर पर मान है कि इनके बनाए बाल असल नजर आते हैं। मस्नूई बालों का फैशन तो मतरूक हो चुका, मगर बाबा महमूद का फन आज भी जिंदा है। कैमरामैन हसनैन चौधरी के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।